यूँ तो हर बार हर साल 365 दिन गुजर जाते हैं, तो अपन एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। फिर कभी कभी अपन ये भी सोच बैठते हैं कि जो पुराने गाने चलते हैं उन गानों को भी अपन गाते रहते हैं। लेकिन इस तरीके से ना, दिन पलटने से अगर मन पलट जाए तो कुछ बात बने, लेकिन मन तो पलटता नहीं है। हम जहाँ फंसे हैं हम वहीं फंसे हुए हैं। रात किसी की पी करके गुजर जाती है, किसी की ग्रे पार्टी में गुजर जाती है, किसी की विश करते करते गुजर जाती है, किसी की स्टेटस डालते डालते गुजर जाती है, किसी की किसी और चीज़ों में गुजर जाती है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि जब तक मन का हृदय का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक नए वर्ष के आने और जाने की खुशियाँ आपको नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छा सर। तो जब तक अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको मेरी तरफ से मैं आपको कोई शुभकामनाएं दूं कि गुरु किसे शुभकामनाएं मिली हैं, तो सिर्फ हाथ उठा करके आशीर्वाद देने से अगर मेरे भक्तों का, तुम्हारा या किसी और का जीवन पलट जाता तो मैं अपने हाथ कभी नीचे ही नहीं करता। लेकिन सिर्फ हाथ उठाने से, आशीर्वाद देने मात्र से तुम लोगों के जीवन में संतुष्टि और संतोष नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी एक एक मात्र बुरी आदत सुधार लो। गुरु हमेशा तुम लोगों के साथ हैं, तुम लोग के साथ ही रहेंगे। क्योंकि अगर हमको कोई गुरु कहता है तो भक्त मेरा गुरूर है। हाँ हाँ क्या बात है भगवान। नमोस्तु भगवान। और तुम मेरे गुरूर हो। नमोस्तु भगवान। तो जो मेरा गुरूर है वो थोड़ा सा आज और सुधर जाए। एक एक बुराइयों का सहयोग, एक एक बुराइयों का सहयोग लेना अगर वो बंद कर दे और अपने जीवन को थोड़ा और सरल कर ले तो मुझे भी खुशी होगी, लोगों को भी खुशी होगी, लोगों को लगेगा कि 2020 में हमने एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। मात्र अपने दिल की एक बुराई हम माफ कर लें और नव वर्ष को एक शानदार शुरुआत करें। आज दूसरा दिन है जनवरी का, दोबारा नहीं आएगा। कल मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं व्यस्त था, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इस बात को कि आप लोग अपने अपने दिल से मात्र एक बुराई खत्म कर लें और अपने नव वर्ष की अच्छी शुभकामनाएं, नव वर्ष को अच्छे से मनाएं। ऐसे अच्छे और बहुत सारे आशीर्वाद के साथ पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी पूरे भक्त मंडलों को देना चाहता हूँ कि वो भी आचार्य जी के आशीर्वाद से भावित होकर के और अपना जीवन जिए, समृद्धि मिले, सुख मिले, शांति मिले, अहिंसामय विश्व धर्म बने। ऐसी पुनीत और मंगलकारी भावनाओं के साथ सबको मेरा आशीर्वाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।